नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हुआ, हम स्वतंत्र हुए। 1000 साल की गुलामी तोड़कर हम स्वतंत्र हुए। लेकिन क्या वास्तव में हम स्वतंत्र हुए, या स्वतंत्रता के मायने क्या, इसको किस तरह से समझा जाए, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हैं आध्यात्मिक गुरु श्री देवेंद्र मोहन भैया जी। भैया जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शेखर जी। भैया जी, आज स्वतंत्रता हमने विषय रखा है, चूंकि अगस्त का महीना है और 15 अगस्त को हमारा स्वाधीनता दिवस भी होता है जी। सबसे पहले तो यही चीज समझना चाहेंगे कि ये स्वतंत्रता है क्या, हम कब किसके गुलाम हो जाते हैं और हम कब स्वतंत्र हो जाते हैं। केवल राज सत्ता या किसी सरकार की वजह से ही हम स्वतंत्र या गुलाम हैं, क्या स्वतंत्रता का मतलब इतना ही है? शेखर जी, पहले तो क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है और हमारे देश में ये सबसे बड़ी आज के समय में ऐसी उपलब्धि है जिसको पूरा देश मना रहा है, तो सबको स्वतंत्रता दिवस शुभ हो। सबसे पहले हमें आज़ादी मिली है और आज़ादी हमें मिली उस विचारधारा से, उस समूह से, उन तमाम लोगों से जिन्होंने हमारा अस्तित्व और हमारा व्यक्तित्व, हमारी सोच, हमारा सब कुछ बदलने की कोशिश की। स्वतंत्रता का अर्थ हम सबके लिए यही है कि हम अपने खुद के मूल्यों पर जी सके, चाहे वो सांस्कृतिक मूल्य हो, चाहे वो हमारे पारिवारिक मूल्य हो, चाहे हमारी अपनी धरोहर हो, हमारे अपना तरीका हो। मुझे अपने स्तर पर ये लगता है कि हम आज से लगभग बहुत वर्ष पहले 1947 में बाहरी तौर से तो स्वतंत्र हो गए, पर वैचारिक स्वतंत्रता वो आज भी हमारे जीवन में नहीं आ पाई। हम आज भी किसी न किसी विचारधारा के, किसी न किसी सोच के, किसी न किसी तरीके के गुलाम हैं, और इसके लिए हर एक इंसान खुद जिम्मेदार है कि वो कैसे अपने आप को, अपनी धरोहर से, अपने मौलिक जो स्वरूप है उसको वो सम्मान देना शुरू करें। ये मेरी विचारधारा है कि अगर आप खुद पर गर्व नहीं कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ दूसरे ही लोगों की चीज़ों पर गर्व होता है, तो फिर ये कैसी स्वतंत्रता हुई? लेकिन अब जैसे भारत में हम देखते हैं कि हम इसे विविधता में एकता वाला देश कहते हैं ना, हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं जी, बहुत सारी जातियाँ हैं, फिर उपवर्गों में बटे हैं, तो अब ऐसे उसमें हम देखें तो कोई एक विचार सिवाय इसके कि हम भारत के नागरिक हैं, सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है, तो ये ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता से ज़्यादा कुछ और ही है। शिखर जी, मैंने बहुत पहले एक कहानी सुनी थी और वो कहानी मुझे बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता या किसी इंसान के मौलिक सिद्धांतों के साथ जुड़ी हुई लगती है। एक आदमी था, उसने एक लाठी नचानी शुरू करी और बीच भीड़ में जब वो लाठी नचा रहा था तो लोग उससे डर करके पीछे हटते थे कि कहीं लाठी ना लग जाए। जब किसी ने जिद करी, बोला कि ये क्यों कर रहे हो, इससे चोट लगेगी, तो वो चीख कर बोलता था कि ये मेरी आज़ादी है, लाठी घुमाना, लाठी चलाना मेरी आज़ादी है। बहुत लोग परेशान रहे कि इसकी आज़ादी हमारे लिए इतना कष्ट क्यों बन गई, हमारे लिए इतनी मुसीबत का कारण क्यों बन गई, हम कैसे आज़ादी से चले। लोग परेशान थे पर कुछ बोल नहीं पाते थे। इतने में कोई विद्वान आया और उसने आकर के एक जगह खड़ा हो गया, टस से मस नहीं हुआ। जो आदमी लाठी घुमा रहा था वो खुद डर करके रुका और उसने कहा कि तुम मेरी आज़ादी में, रास्ते में रुकावट बन रहे। उस विद्वान व्यक्ति ने जो कहा वो मुझे हमेशा याद रहता है। उसने कहा कि जहाँ से मेरी नाक की सीमा शुरू होती है वहाँ तुम्हारी आज़ादी समाप्त होती है। हम सब लोग अपनी विविधताओं का, अलग अलग तरह की सोच विचारधाराओं के रूप में एक दूसरे से अलग तो हो जाते हैं, पर हमारे जो मौलिक सिद्धांत हैं मानवता का, एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे के लिए अच्छे काम करना, कैसे हम जीवन में सामाजिक मूल्यों में, पारिवारिक मूल्यों में, सांस्कृतिक मूल्यों में हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं। उसको छोड़ करके जब हम लड़ने लग जाते हैं तो हम कहीं भी नहीं पहुंच पाते, और जब तक ऐसी सोच रहेगी तब तक हर एक आदमी अपनी लाठी घुमाता रहेगा। तो वैचारिक जो आप स्वतंत्रता बता रहे हैं वो हम कैसे महसूस करें कि ठीक है कि अगला व्यक्ति जो हमारे सामने खड़ा हुआ, जहाँ से उसकी नाक शुरू हो रही है
वहाँ मेरी स्वतंत्रता खत्म हो रही है। लेकिन ये भी बात सही है कि हमारे देश में ऐसे, और देश भी नहीं, एक जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आदमी कत्ल कर देता है जी। वो कहता है कि नहीं, हमारी स्वतंत्रता इस कदर प्रभावित हो रही है कि मुझे तुम्हारा कत्ल करने में कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका कत्ल होता है वो भी अपनी तरह से इतना ऊपर, इतना पानी बहा चुका होता है कि सामने वाला मजबूर हो जाता है। तो ये भी एक संतुलन शायद स्वतंत्रता के रूप में हमें देखना होगा। प्रश्न ये उठता है कि क्या ये हमारे मौलिक सिद्धांतों में है? क्या एक हिंदू हमेशा से सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे को दुख पहुंचाता आया है? जहां तक हम बात लेते हैं शास्त्रों की, या हमारा जो सनातन है, हमारा जो हिंदुत्व है, वो कहीं नहीं कहता कि दूसरे को दुख पहुंचा करके अगर तुम्हें खुशी मिल रही है तो वो तुम्हारा, दूसरे को दुख पहुंचाना तुम्हारी आज़ादी है, तुम्हारी स्वतंत्रता है। कहा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अनुमाय, दूसरे की पीड़ा का कारण न बनना। वो करते करते अगर तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ करने का मौका मिले तो वो तुम्हारी आज़ादी है। दूसरे का अच्छा कर सको बहुत अच्छी बात है, पर कभी भी हमारे हिंदुत्व में, हमारे सनातन में ये नहीं था कि हम दूसरे को दुख पहुंचाने जाएं, हम दूसरे के घर में जाकर के उनको कष्ट दें, हम दूसरों पर चढ़ाई करें, हम दूसरों पर हमले करें, दूसरों की अस्मिता को ठेस पहुंचाएं। हम अपने आप में संपन्न थे, संपन्न हैं, संपन्न रहेंगे अगर हम अपना जो मौलिक स्वरूप है उस पर हम गर्व करना सीखेंगे। तो मैं हमेशा इसको एक चीज से जोड़ता हूँ कि परिवार से शुरू कीजिए। आपके माता पिता, आपका परिवार, अगर आप अपने घर की एक छोटी सी इकाई को भी सुख नहीं पहुंचा सकते, वहां पर आप उनका ध्यान नहीं रख सकते, अगर आप वहां पर तालमेल नहीं बिठा सकते, तो ये बहुत दूर की बात है कि हम समाज या परिवार से आगे चलकर देश या किसी का भी किसी रूप में भी भला कर पाएंगे। तो ये जो आपने अभी बात कही है भैया जी, इससे तो ये भी लगता है कि स्वतंत्रता का पैमाना तब व्यापक होगा जब हम त्याग सीखेंगे। बिल्कुल। और मैं हमेशा एक चीज़ बार बार सोचता हूँ कि भारत आज़ाद हुआ, भारतीयता आज़ाद नहीं हुई। लोग शरीर से तो दूसरे की गुलामी से हट गए, पर मानसिक वैचारिक गुलामी से नहीं हटे। अंदर से किसी को अगर आप गुलाम बना दें, अगर अंदर से किसी को आप बांध दें, तो बाहर से आप लोगों को कितना ही मुक्त कर दें वो सही मायनों में तरीका नहीं हुआ। और इसीलिए एजुकेशन में, इसीलिए लोगों को पढ़ाने लिखाने में, लोगों को वैचारिक रूप से एक बड़ा पारदर्शिक रूप दिखाने में जो एक बहुत प्रयास होना चाहिए, वो इंसान की आज़ादी, उसकी संपन्नता को ज़्यादा बढ़ाएगा, ये मेरा मानना है। तो ये जो आपने बताया तो ये बात ठीक है कि जैसे जो कानून पहले था वो हट गया, हमारा अपना संविधान आ गया, एजुकेशनल पॉलिसी बन गई, नागरिकों के अधिकार भी बने, नागरिकों के कर्तव्य भी बने स्वतंत्र देश में। लेकिन वो चीज़ अगर आज भी उस रूप में नहीं आ पाई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो नियंता हैं, मतलब जो कानून बना रहे हैं और फिर जिस तरीके से बना रहे हैं, तो शायद हम उस चीज़ को सोच ही नहीं पा रहे हैं। वो सोच कहाँ से पैदा होगी कि हमें जो अपने मूल तत्व हैं उसकी स्वतंत्रता की कैसे परिभाषित करनी है? शिखर जी, मैं मानता हूँ कि जब कोई देश गुलाम होता है तो उस दिन गुलाम नहीं होता जिस दिन उसके ऊपर कोई दूसरा राज करने लगता है। गुलाम तब होता है जब आप किसी इंसान के अंदर से नई सोच या नई दिशा में बढ़ने की ऊर्जा खत्म कर देते हैं। देश एक दिन में गुलाम नहीं हुआ, देश एक दिन में आज़ाद भी नहीं होगा। इस देश को आज़ाद होते होते लगभग 70-80 वर्ष हो चुके हैं। धीरे धीरे लोगों की मानसिकता बदल रही है, घरों में लोग अपने परिवार में कैसे रहने चाहिए उसका तरीका पिछले कई वर्षों में बदल रहा है। जैसे जैसे हम अंदर से अपने मौलिक स्वरूप को समझेंगे, घर लौटेंगे, खुद को संपन्न मान करके अपनी धरोहर को बढ़ाएंगे, अपने सिद्धांतों को, अपने सांस्कृतिक वैल्यू को बढ़ाएंगे, तभी जा करके हम आगे बढ़ पाएंगे। और मैं देखता हूं कि
अब हमारे देश में लोग अपने त्यौहार मनाते हुए गर्व महसूस करते हैं, अपने भगवान को मनाते हुए गर्व महसूस करते हैं। कोई मंदिर जाता है तो गर्व महसूस करता है, कोई पूजा करता है तो गर्व महसूस करता है। पहले लोग छुपते थे, पहले लोग इन चीज़ों को नहीं बताना चाहते थे कि ये सब चीज़ें करेंगे तो हम पिछड़े हुए दिखेंगे, बैकवर्ड दिखेंगे। अगर आप अपने मौलिक सिद्धांतों को, अपनी भाषा को, अपनी सोच को, अपनी संस्कृति को, अपने परिवार को उस तरीके से नहीं देख सकते जैसे पहले लोग देखा करते थे, तो आप कहाँ आज़ाद हुए। तो आज़ादी तभी है जब हम अपने मौलिक स्वरूप को उसी तरह से सम्मान देना शुरू करेंगे। इसमें भी भैया जी एक सवाल ये पैदा होता है, मन में आता है कि जैसे जो पीढ़ी है 50 60 साल 70 साल, तो उसने कुछ पीछे से देखा कि उसके पूर्वज इस तरीके से करते थे, ऐसे करते थे, और जो एक हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा होती थी या जिस तरीके से लोगों को अपनी वैल्यूज़ के बारे में बताया जाता था, तो वो चीज़ें धीरे धीरे हमने देखा कि डाइल्यूट हो चुकी हैं और उसकी जगह कुछ और आ गया है। तो जो भी दर्शक हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनके मन में आएगा कि हमें वो चीज़ कैसे पता चलेगी, वो हमें कौन बताएगा कि हमारी वैल्यूज़ क्या थी। शिखर जी, मैं इसे इस पूरी बात को जो आपने कहा उसे शिक्षा से जोड़ता हूँ। शिक्षा सिर्फ किताब पढ़ना नहीं होता, शिक्षा ये देखना भी होता है कि हमारे आसपास माहौल, समाज में, हमारे परिवार में, हमारे दूसरे लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, उनसे सीखना। हमारे पूर्वज जो करते थे वो हमारे माता पिता नहीं करते, वो नहीं करते इसलिए हम भी नहीं करते, पर आज अगर हमारे अंदर परिवर्तन आएगा तो हमारे बच्चों के अंदर जाएगा। तो जिस परंपरा से मैं जुड़ा हूँ, जिस गुरु परंपरा से मैं जुड़ा हूँ, वहाँ एक ही मान्यता है कि आप अपने व्यवहार, अपने आचरण से ही किसी को कुछ सिखा सकते हैं। तो खुद अच्छा बनना है ताकि हमारे बच्चे उस संस्कार को सीखें, खुद अच्छी जगह जाना है ताकि हमारे बच्चे उस अच्छी जगह जाने में प्रेरणा महसूस करें, खुद अच्छे काम करने हैं जिससे हमारे बच्चे उस चीज़ को करके गर्व महसूस करें। तो ये एक दिन में नहीं बदलेगा, ये एक पूरे सामाजिक परिवर्तन की बात है, पर शुरुआत आज होगी, हमसे होगी और हमारे हर एक सोच विचारधारा से होगी। एक चीज़ और भी है, जैसे थोड़ा सा इसको लेकर आते हैं जो आज रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे अभी हमने सनातन पे चर्चा की कि हमारी वैल्यूज़ किस तरीके की थी और कहाँ हम हैं, कैसे बनानी है। डेली लाइफ में हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा स्वतंत्रता पर बड़े बड़े भाषण भी हो जाते हैं वो है हमारे देश में जेंडर बायस्ड होना जी, महिला और पुरुष, महिला की स्वतंत्रता और पुरुष की स्वतंत्रता। विदेशों में तो ये भी है कि बच्चों के ऐसे अधिकार हैं कि वो कॉल करके पुलिस को बुला लेते हैं, अभी हिंदुस्तान उस चीज़ से तो कमोबेश बचा हुआ है, लेकिन ये चीज़ महिलाओं और पुरुषों में, वयस्कों में ये चीज़ है, काम की जगह पर भी है, घर की जगह पर भी है, महिलाओं के साथ में आज भी देखने का जो नज़रिया है या उनको बाहर जाने की बात है, तो ये स्वतंत्रता में किस तरीके से आएगा। शेखर जी, आपने जो बात कही कि पुरुषों में और स्त्रियों में आजकल बहुत ही असमानता का एक बहुत बड़ा प्रभाव चला हुआ है, लोग बड़े संतुष्ट हैं कि महिलाओं को और पुरुषों को समान अधिकार नहीं है, महिलाएं फेमिनिज्म के नाम पर घर से बाहर निकल रही हैं, नौकरियां तलाश रही हैं, समान अधिकार तलाश रही हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक बहुत सुंदर पुस्तक पढ़ी थी कि दोनों समान होते तो परमात्मा दोनों को समान बनाता, दोनों को एक जैसा शरीर देता, एक तरह की व्यवस्थाएं देता। परमात्मा ने, उस प्रभु ने दोनों को विशेष बनाया और अलग अलग इसलिए बनाया ताकि वो एक दूसरे के पूरक बन सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको समान संसार में व्यवस्थाएं नहीं मिलनी चाहिए, हर तरीके का सम्मान नहीं होना चाहिए, हर तरह की समाज में, जीवन में व्यवस्थाओं का उन्हें लाभ नहीं मिलना चाहिए, शिक्षा का लाभ, अपनी बात कहने का लाभ, जीवन में अपने अधिकार मानने का लाभ, पर फिर भी दोनों एक जैसे कभी भी नहीं हो सकते। एक स्त्री का जो काम है वो पुरुष कभी नहीं कर सकता, जो पुरुष का काम है हो सकता है स्त्री उसे करने का प्रयास करे पर उसके बदले उसको बहुत कुछ त्यागना पड़ जाएगा, बहुत सी चीज़ें उसे छोड़नी पड़ जाएंगी जिसका समाज पर, देश पे, परिवार पे बहुत असर होगा। तो जहाँ तक बात आती है जेंडर इनइक्वालिटी की, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको कहीं ना कहीं मैं पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर मानता हूँ कि लोग कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे की तरह बने,
जबकि वो अपने आप की तरह नहीं बन पा रहे हैं। तो सबसे पहले यही ज़रूरी है कि हम जो हैं उससे हम इतना भागे नहीं, उससे इतना शर्मिंदा ना हो, उस चीज़ में कमियां ना ढूंढें, बल्कि उस चीज़ को मजबूत बनाने की कोशिश करें। इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता की। जी, लोग चाहते हैं कि मेरे पास इतना हो जाए तो मैं बड़ा वेल प्लान तरीके से अपनी लाइफ कर लूँगा। फिर उसके लिए जब उतना हो जाता है तो उससे आगे, फिर उससे आगे। तो एक आदमी मन में चाहता है कि मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहूं, तो ये क्या संभव है? और दूसरा, अगर संभव नहीं है तो फिर आर्थिक स्वतंत्रता की बात क्यों होती है? हर चीज़ की स्वतंत्रता इंसान को है, चाहे वो आर्थिक स्वतंत्रता हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो। और जब हम बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता की, एक इंसान ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में जो उसकी दैनिक ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें उसकी उसके साधारण प्रयासों से होती रहे। और जब आप इस दृष्टि से देखेंगे तो एक इंसान की दैनिक ज़रूरतें क्या हैं, जब उस लिहाज से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर्थिक स्वतंत्रता बहुत साधारण चीज़ों में पूरी हो सकती है, इच्छाएं नहीं पूरी हो सकती। एक इंसान की लालसा या किसी दूसरे को देखकर होड़ उसकी ख़त्म नहीं हो सकती। तो हमारे सिद्धांत में एक बात कही जाती है कि आपको सबसे पहले संतुष्ट होना आना चाहिए। अगर आपको आज एक रोटी मिली तो क्या वो आपको सुख दे रही है? अगर आपको आज की रोटी सुख नहीं दे रही तो कल के आपको पकवान भी सुख नहीं देंगे, क्योंकि आपने आज में खुश होना नहीं सीखा है। आपको बहुत कुछ मिल सकता है, पर पहले आपको आज जो है उसको सही मायनों में अप्रिशिएट करना शुरू करना पड़ेगा। तो आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब यही है कि आपकी ज़रूरतें आप पूरी करें, उसके बाद आप बहुत बढ़ें, परमात्मा की ऐसी दया हो, पर जब तक आपके पास जो है वो काफ़ी नहीं है, जो आगे आने वाला है वो भी काफ़ी नहीं होगा। भैया, एक दिलचस्प चीज़ है कि भक्त और भगवान का जो रिश्ता है वो भी इस तरह से है कि दोनों ही स्वतंत्र नहीं हो पाते। भक्त कहता है कि मैं भगवान की साधना से बंधा हूँ और भगवान कहता है कि मैं भक्त से बंधा हूँ। तो क्या आध्यात्मिक रूप में भी स्वतंत्रता का कोई पैमाना है या उसका कोई विचार है? बिल्कुल है, आध्यात्मिक रूप में है, पर यह सांस्कृतिक रूप या जो भी आपने पूजा पद्धति का रूप लिया है उसमें नहीं है। क्योंकि पूजा पद्धति हमारी आध्यात्मिकता की दृष्टि से हमेशा पहला कदम माना गया है। भक्ति योग का मतलब है एक साधन जिससे आप भक्ति से योग की तरफ चलेंगे, उसमें आप भजन गाएंगे, उसमें आप पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे, उपवास रखेंगे, तीर्थ व्रत करेंगे, आप आरती करेंगे। पर ये सारी चीज़ें आपके अंदर सिर्फ जिज्ञासा, प्रेम, लगन, श्रद्धा भाव पैदा करती है, और इसमें बंधन है, क्योंकि एक टाइम के बाद जब इससे आगे कुछ नहीं मिलेगा तो आप इसी में बंधे रहेंगे। जब तक आप भक्ति से योग में नहीं जाएंगे तो अध्यात्म वो पूजा पाठ नहीं होता। अध्यात्म होता है परमात्मा को पहले जिस रूप में आपने माना, अब उसको आप शाश्वत माने, वो हर जगह है। अगर मूर्ति नहीं है तो भी वो है, अगर पूजा पद्धति नहीं है तो भी हम उसे पूज सकते हैं। अगर हमारे पास साधन नहीं है, जरिए नहीं है, अभी सावन चल रहा है, अगर हमारे पास बेलपत्री है, दूसरी व्यवस्थाएं नहीं है, तो क्या हम शिव को नहीं पूज सकते? कर सकते हैं। तो अध्यात्म में स्वतंत्रता है, पर पूजा पद्धति या दूसरी चीज़ों में जहाँ पर आपका एक भाव खत्म हो जाता है, योग की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम स्वतंत्रता को नहीं महसूस करते। तो जाहिर सी बात है कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ दायरे पीछे छोड़ने पड़ेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। अगर आप पहली क्लास से सेकंड क्लास में जाएंगे तो आपको पहला सिलेबस छोड़ना पड़ेगा, कुछ क्लासरूम छोड़ने पड़ेंगे, पुरानी सीट्स छोड़नी पड़ेंगे, पुराना माहौल छोड़ना पड़ेगा। वो कई बार लोगों के लिए दुखदायी होता है, इसलिए लोग स्वतंत्रता को इतना स्वीकार नहीं करते। एक चीज़ और भी है, मैं सत्संग में आपके गया था, उसमें लोगों से जब बातचीत हुई, एक बात आपने बड़ी सुंदर कही कि अगर आप बाहरी प्रलोभनों में फंसे रहोगे कि पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, तो आप गुरु के साथ में अपना सत्संग स्थापित नहीं कर पाओगे, उसको नहीं पा पाओगे। तो कुछ महिलाएं थी वहाँ पे, तो उनका ये भी एक आया कि अब गुरु की याद करनी है तो पड़ोसी को कैसे छोड़ दें। तो ये जो वैचारिक रूप का एक अंदर द्वंद्व चलता है,
ये भी तो एक हमारे लिए मतलब हमारी जो स्वतंत्रता है उसमें हम गए हैं सत्संग में, हमारा मन वहाँ होना चाहिए। गुरु जब ये कह रहा है कि गुरु की बात को मानो, बावजूद उसके अगर ये विचार आया तो महिला को बाद में बड़ा पश्चाताप सा भी हो रहा था, लेकिन ये विचार तो आता होगा, कोई कहता है कोई नहीं कहता है। शिखर जी, भगवान कृष्ण ने इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया है गीता में। वो कहते हैं कि कर्म करने की आपको पूरी आज़ादी है। कर्म शरीर से भी होते हैं, कर्म मन से भी होते हैं, कर्म अपने तरह तरह के स्वभाव से भी होते हैं। अगर आप पड़ोसी से मिले, पड़ोसी से बात की, तो क्या उसमें बंधना ज़रूरी है? क्या उसकी हर एक चीज़ को घर लाना ज़रूरी है? क्या उसकी बात पर अपना मन खराब करना ज़रूरी है? क्या उसकी बात मान करके अपने जीवन में दुख लाना ज़रूरी है? बंधन हमने बांधे हैं, और इसीलिए स्वतंत्रता वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ कोई भी कर्म कांड बन जाता है। तो कर्म कांड नहीं होना चाहिए, कर्म विकर्म होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कर्म करो जिसको करके वहीं छोड़ सको। अगर आपने कोई काम किया, आपने वो काम अच्छे से अच्छा किया, और उसके बाद आप उससे आगे बढ़ जाओ, आप परिणाम उस प्रभु के हाथ छोड़ दो, क्योंकि परिणाम कभी भी आपके हाथ में नहीं था। तो पड़ोसी हो, समाज हो, व्यवस्थाएं हो, अच्छे काम करो और हमेशा उसका परिणाम उस ईष्ट पर छोड़ो, क्योंकि वो जो देगा वो उससे अच्छा आप कभी नहीं पा सकते। बहुत शुक्रिया भैया जी हमारे साथ आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में, और हमें जीवन में किस तरीके से स्वतंत्रता के कितने मायने कितनी तरह से समझने चाहिए इस पर जो आपने प्रकाश डाला है, हमारे दर्शकों को, हमारे सत्संगी भाई बहनों को निश्चित रूप से उससे लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद शेखर जी, विषय उठाने के लिए धन्यवाद।